माफ करो, माफ करो। दिल्ली में सीलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली में सीलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली में सीलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली में सीलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब दिल्ली के लोगों के हक की बात होगी, आम आदमी पार्टी उसको आखिरी दम तक उठाती रहेगी। सीलिंग के कहर के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे इसके विरोध में है। आज जो तीनों सदनों की एक जॉइंट बैठक बुलाई गई है, आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि भाजपा की अगर नियत है दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से निजात दिलाने की, भाजपा अगर चाहती है कि दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग के कहर से बचाया जाए, तो आज इस सदन के अंदर ये प्रस्ताव पास होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर कन्वर्जन चार्ज खत्म किए। बंद करो, दिल्ली में सीलिंग बंद करो, दिल्ली में सीलिंग बंद करो, दिल्ली में सीलिंग बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर ये तो FDI लाने की एक साजिश है ये देश के अंदर, और ये एक बहाना है। 29 तारीख को हमारी पार्टी इस बारे में विरोध प्रदर्शन भी, हम लोग संसद का घेराव भी हम लोग करने जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के सारे निगम पार्षद, सारे हमारे मनोनीत निगम पार्षद, जब तक दिल्ली में सीलिंग नहीं रुकेगी हम लोग सड़क पर बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे, और जो भी संघर्ष के लिए जाना पड़ा हम उसके लिए। ये उस सीलिंग को लेकर ऐसे दिल्ली की जनता पे ऐसा कहर इन्होंने डाल रखा है। हम यही प्रस्ताव पास करना चाहते हैं कि कन्वर्जन चार्ज माफ़ हो और दिल्ली की जनता को राहत मिले। इन व्यापारियों को जो इतना परेशान किया जा रहा है, जो अवैध वसूली जो की जा रही है, इसको हम रोकना चाहते हैं। या तो ये मान जाए, नहीं तो हम सदन के अंदर भी ऐसा ही विरोध करेंगे, रोड पे विरोध करेंगे। दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है, हम बिल्कुल दिल्ली की सुविधाओं के लिए जनता के खिलाफ कोई भी ऐसा काम नहीं होने देंगे जो ये लोग कर रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। खत्म करो।